इक्विपमेंट, टूल्स मतलब होता है औजार, इक्विपमेंट मीन्स होता है उपकरण। टूल्स क्या होता है, जब कोई भी काम हम जो करते हैं तो मेन जो उसके औजार होते हैं जिसकी सहायता से हम काम को करते हैं उससे हम बोलते हैं टूल्स। इक्विपमेंट वो होता है जो टूल्स की सहायता करता है, उसकी हिंदी होती है उपकरण। जैसे हो गया ट्रिमिंग कैंची, यानी छोटी वाली कैंची। अब देखते हैं स्विंग टूल्स और इक्विपमेंट में क्या क्या होता है। इसमें छह हैं, पहला है हमारा मेजरिंग टूल, दूसरा है हमारा ड्राफ्टिंग टूल्स, तीसरा है मार्विंग टूल्स, चौथा है कटिंग टूल्स, पांचवा है स्टिचिंग टूल्स, छठवा है प्रेसिंग टूल्स। जो टूल्स हमको मेजरमेंट लेने में सहायता प्रदान करते हैं उसे मेजरिंग टूल्स कहते हैं। जो टूल्स हमको ड्राफ्टिंग बनाने में सहायता प्रदान करते हैं उसे ड्राफ्टिंग टूल्स कहते हैं। जो टूल्स हमको मार्किंग मार्क निशान लगाने में सहायता करते हैं उसे मार्किंग टूल्स कहते हैं। जिस टूल की सहायता से हम कटिंग करते हैं उसे कटिंग टूल कहते हैं। जिसके से हम स्टिचिंग करते हैं उसे स्टिचिंग करते हैं, और जिससे हम प्रेस करते हैं उसको प्रेसिंग टूल्स कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हमारा प्रेसिंग मेजरिंग टूल्स में क्या आएगा। मेजरिंग टूल्स वो होता है जिसकी सहायता से हम नाप को लेते हैं, शरीर को नाप लेने के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं उसे हम मेजरिंग टूल्स कहते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इंच टेप। इंच टेप की सहायता से हम शरीर का नाप लेते हैं, ये 60 इंच का होता है या 1 मीटर 52 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा है हमारा सिलाई गेज, स्विंग गेज, या 6 इंच लंबा होता है, इससे हम जो हेम लाइन होती है और बटन होल होता है उसको नाप लेते हैं। तीसरा है हमारा रूलर, जिससे हम हेम टक्स और फेसिंग को नापते हैं, ये है हमारा मीटर स्केल, जिससे कपड़े की चौड़ाई और कपड़े की लंबाई को, जब हम कागज पे लंबी सीम लाइन बनाते हैं तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई मीटर स्केल से नापते हैं। ये होता है लेग मेजरिंग टेप। टांग के अंदरूनी भाग को जब हम गिदरी मापक, टांग के जो अंदरूनी भाग होता है उसको बोलते हैं गिदरी। जैसे पैंट या ट्राउजर का मेजरमेंट लेना रहता है तो उसके लिए हम लेग मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा छठवां उसमें है सीपीजी मेजरिंग टेप। सीपीजी मेजरिंग टेप से हम कोट का नाप लेते हैं, इससे एक साथ 3 नाप लिया जाता है, चेस्ट का नाप, कंधे का नाप और आर्म होल का नाप। तो सीपीजी मेजरिंग टेप से एक साथ 3 नाप लिए जाते हैं, जिसमें है छाती, कंधा और आर्म होल का। उसके बाद लास्ट है हमारा मेजरिंग स्टैंड, इस तरह का कुछ होता है जिससे हम लंबाई की नाप लेते हैं। जो इसे ओवरकोट बनाना होता है, लंबे गाउन बनाना होता है, तो उसमें हम मेजरिंग टेप का, मेजरिंग स्टैंड का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा ड्राफ्टिंग टूल। कपड़े को काटने से पहले, नाप के अनुसार कपड़े की कटिंग करने से पहले हम उसकी ड्राफ्टिंग बनाते हैं कागज पे। तो उस ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। सबसे पहला टेबल होना चाहिए जिस पर रख के हम उसको बनाएं। फिर ब्राउन शीट होना चाहिए, ड्राफ्टिंग हम हमेशा ब्राउन शीट पे करते हैं। कपड़े को काटने से पहले नाप के अनुसार मेजरमेंट लेके पेंसिल से निशान लगा के बनाने को ही ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो हम ड्राफ्टिंग किस पे बनाते हैं, ब्राउन शीट पे बनाते हैं। टेबल होनी चाहिए, एल स्क्वायर होनी चाहिए, फ्रेंच कर्व होना चाहिए, फुट रूलर होना चाहिए। तो ये सब भी टूल्स का यूज हम ड्राफ्टिंग बनाने में करते हैं। तीसरा हमारा मार्किंग टूल। मार्किंग टूल्स जैसा नाम है मार्किंग, मार्किंग मतलब होता है निशान लगाने के लिए। जिस टूल का प्रयोग हम निशान लगाने के लिए यूज करते हैं उसे मार्किंग टूल्स कहते हैं। जैसे पेंसिल हो गया, टेलर चौक हो गया, वैक्स चौक हो गया। वैक्स चौक, टेलर चौक का यूज हम नॉर्मली कपड़े पर निशान लगाने के लिए करते हैं, पेंसिल का यूज हम ड्राफ्टिंग बनाने के लिए करते हैं, और वैक्स चाक का यूज हम उन्हीं कपड़े पे निशान लगाने के लिए करते हैं। चाहे ट्रेसिंग व्हील, जैसे एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे हमको अगर निशान उतारना है तो हम इस तरह का ट्रेसिंग व्हील का यूज करते हैं। कपड़े के ऊपर कपड़े रख के जब इससे प्रेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, उससे निशान हमारा एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे चला जाएगा, तो ये हमारा ट्रेसिंग व्हील हो गया। ट्रेसिंग पेपर ये होता है जैसे किसी कोई भी चीज के ऊपर रख के उसको ट्रेस कर दिया जाए, निशान लगा दिया, तो हमारा ट्रेसिंग पेपर हो जाता है। चौथा है कटिंग टूल्स। जब हम उसका मेजरमेंट ले लिए, ड्राफ्टिंग ले लिए, ड्राफ्टिंग कर लिए, उसकी मार्किंग कर लिए उस पर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और काटने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, कैचिंग का। तो कटिंग टूल्स हमारी क्या हो जाएगी, कैची। इसमें सीजर हो गया, सीयर हो गया, ट्रिमिंग सीजर हो गया, इलेक्ट्रिक कटर हो गया। ट्रिमिंग सीजर का प्रयोग हम छोड़ जैसे धागा निकला हुआ कढ़ाई करते हैं या सिलाई करते हैं, तो जो धागा निकलते हैं उसको काटने के लिए हम ट्रिमिंग सीजर का प्रयोग करते हैं।
और कटिंग कर बड़ी कैंची का प्रयोग हम कपड़े काटने के लिए, इलेक्ट्रिक कैंची का भी प्रयोग हम कपड़े काटने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा है स्टिचिंग टूल्स। जो टूल्स हमको सिलाई में सहायता प्रदान करता है उसको हम बोलते हैं स्टिचिंग टूल्स। इसमें हो गया सुई हो गया, थिम्बल हो गया, पिनकुशन हो गया। थिम्बल वो होती है, देखो ये थिम्बल है। थिम्बल ये होता है जो हम तुरपाई करते हैं तो हमारी उंगलियों में सुइयां चुभती हैं, तो उसको पहन के हम तुरपाई करते हैं तो ये चीज हमारी उंगलियों को सेफ्टी प्रदान करता है, तो थिम्बल्स हो जाएगा। नीडल थ्रेडर है, ऐसा ही होता है, इसके आगे से वो निकली होती है, तार लगी होती है। इसमें नीडल थ्रेडर की सहायता से हम क्या करते हैं, सुई में धागा डालते हैं। फिर पिन कुशन हो गया। पिन कुशन क्या हो गया, जो हम पिन को रखते हैं सिलाई करते समय कपड़े इधर उधर खिसके ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, तो पिन को यूज करते हैं। पिन को रखने के लिए उसका जो ऐसे गोल का बना होता है, अंदर फोम लगा होता है, उसे पिन कुशन कहते हैं, जिसमें हम पिन लगाते हैं। बाट पिन क्या होता है, ये ऐसे होता है, जैसे देखो इसको बाट पिन बोलते हैं, जिसे हम इलास्टिक या डोरी डालते हैं पजामे में नाड़े में, इसकी सहायता से हम डोरी को डालते हैं, तो उसे हम बाटकिंग कहते हैं। प्रेसिंग टूल जैसा नाम है, अब जब कपड़े सिल गए, कट गए, मेजरमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो लास्ट में फिनिशिंग दी जाती है, और फिनिशिंग के लिए हमारा क्या आएगा, प्रेसिंग टूल। और प्रेसिंग टूल्स में हमारा क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, बिजली का प्रेस हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा, भाप वाली प्रेस हो जाएगा, लोहे की प्रेस हो जाएगा। और फिर प्रेस करने के लिए एक टेबल होता है, तो उसमें वो भी आ जाएगा, जैसे ऐसे टेबल होते हैं जिसमें हम कपड़े को प्रेस करते हैं, प्रेसिंग स्टैंड हो जाएगा और प्रेस हो जाएगा। तो ये सब हमारे आ जाएंगे स्विंग के टूल्स, जिसकी सहायता से हम सिलाई करते हैं। तो इसमें पांच टूल्स हैं, मेजरिंग, ड्राफ्टिंग, मार्किंग, कटिंग, स्टिचिंग और प्रेसिंग। ठीक है।